द लीला पैलेस चेन्नई, ITC ग्रैंड भारत, द ओबेराय अमर विलास, द लोधी न्यू दिल्ली, द रोजिएट न्यू दिल्ली, फोर सीजन होटल मुंबई, रिट्स कार्ल्टन बैंगलोर, रामबाग पैलेस जयपुर, एल्सवेयर गोवा, राज जोधपुर, पार्क हयात चेन्नई और ऐसे बहुत सारे नाम। अब आप कहेंगे कि मैं इन सब 5-स्टार होटलों के नाम क्यों पढ़ रहा हूं, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूं जो इन होटलों के नाम से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी भी होटल में रुकना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसके रिव्यूज चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? गूगल में जाके चेक करते हैं। जब भी आप किसी होटल को सर्च करेंगे तो वहां पर रिव्यूज लिखे होते हैं गूगल मैप में, जिसमें कि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो वहां रुके, उनको वहां कैसा लगा, क्या होटल ढूंढने में मिला, आसानी हुई कि नहीं हुई, हॉस्पिटैलिटी कैसी थी, और साथ में ही उसका जवाब देते हैं होटल के कर्मचारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो रिव्यूज हैं इनमें से ज्यादातर रिव्यूज फेक हैं, और आप भी इस तरह के रिव्यूज को लिखकर हजारों रुपए, लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही स्कैम के बारे में जिसमें कि आपको इन बड़े बड़े होटल्स के रिव्यूज लिखने के लिए कहा जाता है और हर रिव्यू लिखने का आपको 50 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक देने का दावा किया जाता है। आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि यूट्यूब चैनल के वीडियोज को जाकर लाइक करने पर आपको 50 रुपए मिल रहे थे। ठीक वैसा ही स्कैम, वैसी ही मॉडस ऑपरेंडी इस स्कैम के जरिए भी अपनाई जा रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया है, आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो दरअसल मुझे US के एक नंबर से WhatsApp पर मैसेज आया। उसने मुझे बताया कि वो एक HR मैनेजर है और वो ओमनीक्रॉन ग्रुप से बात कर रही है। अगर मैं फ्री हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ तो मैं उनके साथ जुड़ सकता हूँ। उनके मुताबिक बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक गूगल, फेसबुक और यूट्यूब अपने कुछ टास्क के लिए ऐसे ही इंडिविजुअल बंदों को ढूंढ रही हैं जो कि उनके साथ कोऑपरेट करें, और इस तरह के छोटे छोटे टास्क करके वो हजारों लाखों रुपए हमको कमाने का मौका दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता। जहां पर आप 5,000 रुपए दिन के कमा सकते हैं या 40,000 रुपए दिन के कमा सकते हैं, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देते, और मैं तो बिल्कुल नहीं जाने देता हूं, क्योंकि मुझे उसमें स्कैम की बू आ जाती है और मैं उनको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता हूं ताकि आपके सामने इस तरह का कंटेंट परोस सकूं। मेरे हामी भरते ही अगले ही पल उसने मुझे 2 होटलों के नाम लिखे। उसने कहा कि आपको क्या करना है, आपके पास 2 टास्क हैं। पहला द सवारी रिजॉर्ट पुडुचेरी और दूसरा अकॉर्ड क्रोम चेन्नई के इन होटल्स को जाके आप गूगल मैप में सर्च कीजिए और उसके बाद रिव्यूज लिखिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें भेज दीजिए। जैसे आप हमें भेजेंगे हम आपको 150 रुपए दे देंगे। अब 150 रुपए कमाना कौन नहीं चाहता बिना कुछ किए हुए। मैं तुरंत गूगल मैप पे गया, दोनों ही होटलों को सर्च किया और उसके बाद वहां पर एक बढ़िया सा रिव्यूज लिख दिया, स्क्रीनशॉट लेकर उस महिला को दिया जो कि HR मैनेजर थी ओमनीकॉन ग्रुप की। मेरे टास्क पूरा करते ही उस महिला ने मुझे एक रिसेप्शनिस्ट का नाम बताया जिनका नाम था रिसेप्शनिस्ट एना, जो कि मुझे टेलीग्राम पे मिलने वाली थी। उनको मुझे ढूंढना था और साथ में उन्होंने मुझे कोड दिया कि मुझे वो कोड बताना है। कोड था K02 16 4 7 3। ये कोड मुझे रिसेप्शनिस्ट एना को जाके बताना है, तब रिसेप्शनिस्ट एना मुझे आगे की कार्यवाही बताएंगी कि मैं कैसे हजारों लाखों रुपए कमाने वाला हूँ। मैं उनके बताए मुताबिक टेलीग्राम पे गया, रिसेप्शनिस्ट एना को ढूंढा, उनको ऐड किया, उन्होंने मुझसे मेरा अकाउंट डिटेल मांगा और डिटेल देते ही 150 रुपए मेरे खाते में आ गए। यहाँ से क्या हुआ, विश्वास खरीदने की शुरुआत हो गई। ये उनका आधार है, ये उनका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से उन्होंने आपको खरीदने की शुरुआत कर दी कि भैया 150 रुपए तो आ गए, यानी कि मेरे मन में ये सवाल आ जाएगा कि वाह यार क्या टास्क है, 3 रिव्यू लिखे 2 रिव्यू लिखे और 150 रुपए मुझे मिल गए। इसके बाद एना ने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया, उस ग्रुप में ऑलरेडी 100 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 100 मेंबर्स थे। इसके बाद एना ने मुझे इस खेल को खेलने के नियम बताए कि भाई आपको ये खेल खेलना है, पैसे कमाने हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसा कि आपने अक्सर KBC में देखा होगा कि आपको यहां से शुरुआत करनी है, फिर ये पड़ाव आएगा, फिर वो पड़ाव आएगा और उसके बाद फिर आप 7 करोड़ जीत जाएंगे। ठीक वैसे ही एक मॉडस ऑपरेंडी, एक ऐसा खेल बनाया गया जो कि टेलीग्राम में मुझे बताया गया कि आपके इस पूरे खेल में पूरे एक दिन में 24 टास्क होंगे और ये टास्क सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएंगे। हर टास्क को करने का आपके पास 20 से 25 मिनट का समय होगा। अब इन 24 टास्क में से 20 टास्क फ्री होंगे और 4 टास्क जो होंगे वो पेड होंगे, यानी कि प्रीपेड होंगे, जिसमें कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अभी जो 20 टास्क हैं, टास्क वही है कि आपको किसी बड़े होटल को गूगल मैप में जाके सर्च करना है
और वहां पर एक अच्छा सा रिव्यू देकर उसका स्क्रीनशॉट यहां पर भेजना है। अब जैसा कि आप यह टास्क लिस्ट देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के और 24 तक पहुंचने के बीच में कई सारे पड़ाव आते हैं। तीन तीन टास्क के पड़ाव के साथ में हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर आपने पहले से तीसरा स्टेप पार कर लिया तो आपको 150 रुपये मिलेंगे और ये पूरी तरह से फ्री होगा, जहां पर आपको 50-50 रुपये पर रिव्यू के मिलने वाले हैं। उसके बाद 4th से लेकर 6th यानी कि 4, 5, 6 जब ये आप टास्क करेंगे तो आपको फिर से 50 रुपये के हिसाब से मिल जाने वाला है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टास्क नंबर 5, 11, 16 और 21 ये चारों टास्क पेड टास्क हैं, प्रीपेड टास्क हैं और इनमें से सिर्फ एक को आप स्किप कर सकते हैं। अगर एक के बाद आप कोई प्रीपेड टास्क को स्किप करते हैं तो आप इस खेल से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, यानी कि जो KBC का खेल है इससे आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो स्मार्टनेस देखिए, आप 4 से 6 के बीच में 5 आता है, यानी कि पहले 150 रुपये लेने के बाद चौथे रिव्यू को लिखने के बाद जब वो पांचवा रिव्यू आता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि ये एक प्रीपेड टास्क है। प्रीपेड टास्क है यानी कि आपको पे करना है। कितना पे करना है? 2,000 रुपये से लेकर 2,55,000 रुपये तक के अलग अलग राशियां दी गई हैं और बताया जाता है कि हर राशि के साथ में आपको 40% का रिटर्न मिलता है, वो भी 10 मिनट में। इसके साथ ही वो एक बहुत वियर्ड सा लॉजिक देते हैं। अगर आप इनका लॉजिक पढ़ेंगे, आप इनका टास्क पढ़ेंगे तो ये कहते हैं कि मर्चेंट वेरिफिकेशन हैज पेड द डिपॉजिट, मर्चेंट वेरिफिकेशन हैज पेड द डिपॉजिट मर्चेंट नोटिस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड वी आर नाउ रिक्रूटिंग डिफरेंट IPs टू असिस्ट इन हाइपिंग क्रिप्टो करेंसीज एंड द नंबर ऑफ प्लेसेस इज लिमिटेड द मर्चेंट हैज पेड द डिपॉजिट एंड इट विल बी रिटर्न्ड इमीडिएटली आफ्टर 10 मिनट्स प्री पेमेंट इज रिक्वायर्ड सेफ एंड सिक्योर। इसके बाद उन्होंने राशि दी है, आस्क योर रिसेप्शनिस्ट फॉर डिटेल्स। 2,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपको 2,800 रुपये मिलने वाले हैं। 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो 7,000 मिलेंगे। 9,000 के डिपॉजिट में 12,600 मिलेंगे। ऐसे करते करते अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो 2,55,000 रुपये जब आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको 3,57,000 रुपये अगले 10 मिनट के अंदर अंदर मिलने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने प्रीपेड टास्क किया है तो जो आपके फ्री वाले टास्क थे जिसमें आपको 50 रुपये मिल रहे थे, अब उसमें आपको 400 रुपये तक मिलेंगे। समझ गए आप गेम पूरा? तो ये पूरा जो टास्क है, ये जो पूरा गेम है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 150 रुपये अर्न करने के बाद अगर आप पांचवा नंबर का जो इनका पड़ाव था वो स्किप करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको रूल में पहले ही बताया था कि आप केवल एक ही प्रीपेड टास्क मिस कर सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करने के बाद जब आपका अगला स्टेप आता है तब आप फिर से प्रीपेड टास्क में फंसते हैं और वहां पर आपको पैसे पे करने ही पड़ेंगे। तो यहां पर कहानी क्या है, आपको 150 रुपये पहले अर्न कर चुके हो, आप 150 रुपये फिर अर्न करोगे, उसके बाद जैसे ही प्रीपेड टास्क आएगा आपने इनको पैसे दिए या आपको ग्रुप से निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ये एक स्कैम है, स्कैम की बनाई हुई स्कीम है। क्या आपने ये जो कंटेंट मैंने अभी पढ़ा क्रिप्टो करेंसी वाला, वो मेरे ऊपर से निकल गया भाई साहब, समझ में नहीं आया ये अंग्रेजी क्या लिखी है, किस लिए, कौन, कैसा, कहाँ। सवाल पूछोगे तो क्या होगा, ग्रुप से निकाल देंगे। मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा भाई कौन है मर्चेंट, तो उन्होंने कहा गूगल है मर्चेंट, गूगल पे करेगा। इसके बाद मैंने रिसेप्शनिस्ट ऐना को अप्रोच किया कि ठीक है मैं 2,000 रुपये पे करना चाहता हूँ, बताओ पे कैसे करना है। उसके बाद उसने मुझे QR कोड भेजा। मैंने उस QR कोड को जब स्कैन किया तो मैंने देखा कि पंचकुला की एक कोई पोल्ट्री फार्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका वो कोड है और मुझे ये जो पैसे पे करने हैं उसको पे करने हैं। मैंने उससे कहा कि भैया आप तो कह रहे थे गूगल को पे करने हैं, उनने कहा चुपचाप इसमें पे करो, करना है तो सवाल पूछोगे तो मैं आपको निकाल दूंगी। उसके थोड़ी देर में उसने मुझे ग्रुप से निकाल दिया और निकालने के बाद यहां पर भी टेलीग्राम के जो सेपरेट चैटिंग हमारी चल रही थी उस पर भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्कैम किस तरह से काम करता है। दरअसल ये व्हाट्सएप पर ऐसे ही हमारे जैसे लोग अप्रोच करते हैं अर्न मनी ऑनलाइन के नाम पर, उनको इस ग्रुप में लाके ऐड करते हैं जिसमें कि आपको 100 मेंबर दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप जो है ये 23वां ग्रुप है। अगर आप इसकी नंबरिंग पे गौर करेंगे तो ये 23वां ग्रुप है जिसमें मैंने ज्वाइन कर रखा है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने ग्रुप्स इन्होंने बना रखे होंगे और कितने सारे मेंबर्स को उसमें ऐड कर रखा होता है। अब ये जो 100 मेंबर्स हैं, अगर आप देखेंगे गौर करेंगे तो इसमें से ज़्यादातर जो मेंबर हैं ये उनके खुद के मेंबर्स हैं। अगर आप देखो इसमें कैसमी, ऐना, मीरा, रितु, रानी, समंता, सजनी, इशिता, अनंदिता, मिश्का, जोया, नंदनी, इतनी सारी महिलाएं और इतनी खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं कि भैया दिल आ जाए।
पर इनके पीछे कौन बैठा होता है? कोई काशिफ, कोई नीरज, कोई अजय, कोई विजय, कोई संजय, इस तरह के लोग इसके पीछे बैठे होते हैं। तो इनसे दिल लगाने की जरूरत नहीं है। और आपको बता देता हूं, ये आपसे दिल लगाने की कोशिश करेंगे, आप दो रिप्लाई मत कीजिए, एक फटाक से दिल का इमोजी आ जाता है, क्या हुआ सर, आर यू बिजी, ताकि आप इनके जाल में फंस जाए, इनके चंगुल में फंस जाए, और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 100 मेंबर्स हैं, इसमें से ज्यादातर मेंबर्स उनके खुद के हैं। जैसे ही ये कोई प्रीपेड टास्क डालते हैं आपको गुमराह करने के लिए, बहुत सारे मेंबर्स अचानक से उसमें स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कर देते हैं। ये लो 40,000 पे कर दिए, ये लो 9,000 पे कर दिए, ये लो 25,000 पे कर दिए, ये लो 32,000 पे कर दिए। थोड़ी देर बाद एक और स्क्रीनशॉट आती है कि आई गॉट माई रिटर्न, थैंक यू, आई अर्न सो मच मनी, थैंक यू, मुझे इतने पैसे मिल गए, थैंक यू, आपकी वजह से मैंने इतने पैसे कमाए। ये किस लिए किया जाता है? ये आपको लालच देने के लिए किया जाता है। इसके पहले आपको 150 रुपये वो पे कर चुके हैं, आपके दिमाग में बैठ चुका है यार पैसे तो आते हैं इसमें, तो आप भी एक जुआ खेल डालते हो कि यार 150 आए थे तो 1.5 लाख भी आएंगे। फिर आप क्या करते हो, इसमें से कोई एक राशि चुनते हो, अपना बैंक अकाउंट खाली कर देते हो। मेरे पिछले वीडियो में एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने लिखा कि उनके दोस्त ने 35,000 रुपये खोए हैं इसमें, 35,000 रुपये। लेकिन वही है कि आप लोग अवेयरनेस फैलाते नहीं, इन तरह की वीडियो को आगे फैलाते नहीं, तो लोगों तक जानकारी पहुंचती नहीं। यही नहीं, अगर आप इनसे बहस करना शुरू करो तो ये आपको गाली देने से भी गुरेज नहीं करते। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं ऐसे कई सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर चुका हूं जहां पर YouTube वीडियो को लाइक करने से लेकर किसी होटल को रिव्यू देने तक इस तरह के टास्क आपसे कराए जाते हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगते हैं। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, पैसा खर्च करते होंगे, ये भी उनके मार्केटिंग का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये कोई भी होटल, जितने भी मैंने आपको नाम बताए, कोई भी होटल पैसे दे करके कोई भी रिव्यू नहीं लिखवाता है। जेन्युइनली इनके पास अगर आप जाके देखोगे तो खुद ही 18,000 रिव्यूज पड़े हुए हैं। इनको क्या जरूरत है, ये इतने बड़े नाम हैं कि इनके होटल्स में जब आप कॉल करो ना बुकिंग के लिए, तो कई बार ये हाउसफुल होते हैं, इनके पास जगह नहीं होती है, और वो आपसे 50-50 रुपये दे करके रिव्यू लिखवाएंगे? इम्पॉसिबल। ये एक स्कैम है, ट्राइड एंड टेस्टेड स्कैम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसीलिए किसी भी तरह का मोबाइल नंबर ये इस्तेमाल नहीं करते, एक US का वर्चुअल नंबर लेते हैं आपको अप्रोच करने के लिए WhatsApp पे, ताकि आप उनको कॉल ना कर सको, और आगे की बातचीत टेलीग्राम पे करते हैं। टेलीग्राम में कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, @ करके कोई भी ID बनाते हैं और आपके साथ स्कैम करते हैं। जैसे ही आप पैसे पे करते हैं आपको एक ग्रुप से डिसअपीयर करते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, अपने मित्रों तक हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोग इस तरह के स्कैम्स में ना पड़ें, इस तरह के स्कैम्स में ना फंसें।